है गाइस मोटर व्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी भाई लोग का स्वागत है। आज की जो वीडियो है ना गाइस, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 160 4V के बारे में, जो कि गाइस काफ़ी मस्त लग रही है देखने में। और ये जो आप बाइक देख रहे हैं ना गाइस, ये है प्रीमियम, यानी प्रीमियम मॉडल। इसमें ना गाइस आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलता है। एक आती है बेस, एक आती है गाइस आपको थोड़ी सी डुअल डिस्क वाली, और एक आती है गाइस प्रीमियम। और अभी आप जो देख रही है प्रीमियम, इसको इसमें ना गाइस आपको जो कलर्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन भी गाइस काफ़ी मस्त आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे गाइस कि यहाँ पे आपको क्या फीचर्स देखने को मिल जाती है, प्राइसिंग क्या होने वाली है गाइस, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखना, आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। चलते गाइस इसके फ्रंट की तरफ, देखते हैं आपको फ्रंट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले गाइस इसकी हेडलाइट गॉल को देखो, कितनी मस्त लग रही है गाइस, पूरी एकदम मस्कुलर वाली यहाँ पर आपको हेडलाइट देखने को मिल जाती है, काफ़ी एग्रेसिव लगती है। यहाँ पर गाइस आप नंबर प्लेट लगाओगे, ठीक है, उसके नीचे आपको हीरो की यहाँ पर आपको 3D में क्रोम में बैजिंग देखने को मिल जाती है। हेडलाइट जो दिखने को मिलती है ना गाइस, काफ़ी मस्त लग रही है आपको यहाँ पर देखने में। यहाँ पर आपको LED में इसके पायलट लैम्प बोल लो या फिर DRLs देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी मस्त लगते हैं। हेडलाइट जो मिलती है ना गाइस आपको फुल्ली LED में देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ आपको लो बीम और नीचे की तरफ आपको हाई बीम देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इसकी गाइस जो हेडलाइट की जो आप सराउंडिंग देखो, कितनी एग्रेसिव लग रही है, इसकी कितनी शार्प आपको एजेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी मस्त लगते हैं। इसके ब्लिंकर देख लो गाइस, आपको LED में देखने को मिल जाता है। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये देख लो कितने मस्त लग रहे हैं गाइस देखने में, काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पे इसके ब्लिंकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके सस्पेंशन की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको ना गोल्डन कलर के KYB के आपको अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिल जाते हैं। डायमीटर की बात करें तो 37 mm की आपको यहाँ पर सस्पेंशन देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है गाइस। इसकी ना ट्रैवल की बात करें तो 150 mm की आपको यहाँ पर ट्रैवल देखने को मिल जाने वाली है। और यहाँ पर गाइस इसकी मडगार्ड देखो, आपको डुअल टोन फिनिश मिल जाती है, मेटालिक एंड मैट में। मेटालिक में गाइस थोड़ी सी ब्लू एंड टिश आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है, स्पार्कल में, ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पर गाइस आपको ABS की स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाने वाली है। इसकी व्हील्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का आपको अलॉयज देखने को मिल जाते हैं, नियॉन ग्रीन में आपको यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी लग रही है। टायर साइज़ की बात करें गाइस, तो 100/80 17 इंच के यहाँ पर आपको टायर देखने को मिल जाने वाली है। और ब्रेक्स की बात करें तो 276 mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाती है विथ ABS, जो कि यहाँ पर देख लो ABS की रिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको डुअल पिस्टन कैलिपर वाले आपको ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी साइड व्यू के बारे में बात करें ना गाइस, तो देखने में काफ़ी स्मार्ट आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। और जो गाइस कलर टोन जो यूज़ किया गया ना, यानी कलर जो यूज़ किया गया यहाँ पे, काफ़ी मस्त लग रही है गाइस देखने में। ग्रीन एंड आपको थोड़ी सी ब्लूज टाइप में आपको यहाँ पे फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, मैट एंड मेटालिक का कॉम्बो आपको मिलती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस देखने में। यहाँ पर आपको हीरो की यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाती है, और जो एक्सट्रीम की जो बैजिंग है ना गाइस, वो आपको यहाँ पे 3D क्रोम में देखने को मिलती है, थोड़ी सी मैट फिनिश है। और यहाँ पर आपको जो फिनिशिंग मिलती है इसके एक्स में, वो आपको पियानो ब्लैक में देखने को मिलती है। ठीक है, थोड़ी नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको 160R की पूरी यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिलने वाली है, काफ़ी मस्त लगती है गाइस देखने में। ग्रे एंड ब्लैक का थोड़ा सा कॉम्बो यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी प्यारी लगता है। और यहाँ पर आपको ऑयल कूलर के यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। और इसका जो गाइस जो टैंक श्राउड आप जो देख रहे हैं ना, काफ़ी यहाँ पीछे तक आती है। और यहाँ पर आपको प्रोग्राम्ड FI की भी बैजिंग देखने को मिल जाती है। उसके नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आपको फुल्ली ब्लैकआउट आपको इंजन देखने को मिल जाता है, थोड़ी सी यहाँ पर आपको ना यानी ब्रास टाइप से आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाती है इसके इंजन कैप में, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस देखने में। इंजन की बात करें तो 163.2 cc की सिंगल सिलेंडर 4/4 valve एयर ऑयल कूल्ड BS6 phase 2 वाली यहाँ पर आपको इंजन देखने को मिल जाने वाली है, जिसमें आपको जो पावर मिलती है ना गाइस, 16.6 bhp की पावर देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको मिलती है 8500 RPM में। ठीक है, इसमें जो आपको टॉर्क देखने को मिलता है ना गाइस, वो आपको मिल जाता है 14.6 Nm के, जो कि आपको मिलती है 6500 RPM में। और इसकी गियरबॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ना 5 स्पीड की आपको कांस्टेंट मैश वाली आपको गियरबॉक्स देखने को मिल जाने वाली है, जो कि काफ़ी स्मूथ होने वाली है गाइस, काफ़ी मस्त यहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग भी देखने को मिल जाने वाली है। और उसके नीचे आओगे ना इसके इंजन के नीचे, तो यहाँ पर आपको ना इसके इंजन कॉल भी देखने को मिल जाता है, काफ़ी मस्त लगता है। यहाँ पर आपको 4V की यहाँ पर आपको यानी 4 valves की आपको पूरी ग्राफिक्स देखने को मिल जाने वाले, जो कि काफ़ी मस्त लगते हैं। चलते इसके पीछे की तरफ, तो यहाँ पर गाइस रेयर ब्रेक लीवर देखने को मिल जाता है, राइडर के लिए फुटरेस्ट देखने को मिलता है जो कि रबर पैड में है। और यहाँ पर गाइस जो पिलियन के लिए फुटरेस्ट है वो आपको एल्यूमिनियम फिनिश में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी मस्त लग रही है, छोटी सी लेकिन काफ़ी मस्त है। यहाँ पर आपको जो प्लेट देखने को मिलती है यानी इसकी कवर है वो आपको ग्रे कलर में देखने को मिल जाने वाली है। और यहाँ पर आपको रियर ब्रेक ऑयल भी देखने को मिलता है। मैं एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट भी इसकी सुना देता हूँ, ठीक है। तो एग्जॉस्ट नोट तो बहुत अच्छी है गाइज। आप मेरे को कमेंट बताना कि आपको कैसी लगी इसकी एग्जॉस्ट नोट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रेयर सस्पेंशन की। तो यहाँ पर गाइज आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 7 स्टेप की आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ आती है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी मड फ्लैप भी देखने को मिलता है, ठीक है। व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर गाइज आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाने वाले हैं 17 इंच के, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलता है ना वो भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं गाइज, नियॉन ग्रीन कलर में देखने को मिलता है, काफ़ी मस्त लगते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 130/70 R17 की यहाँ पर आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। पीछे में गाइज आपको रेडियल टायर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। और ये जो टायर है गाइज आप C8 की देख रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी आपको ग्रिप प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ब्रेस की बात करें गाइज तो 220 mm के यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी। निसिन के सिंगल पिस्टन कैलिपर वाले आपको यहाँ पे ब्रेक देखने को मिल जाने वाले हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाइज आप देख लो आपको स्विंग आर्म देखने को मिलता है जो कि बॉक्स टाइप है। मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ, ठीक है, ये देख लो यहाँ पर। और यहाँ पर आपको टायर प्रेशर की स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाने वाली है। फ्रेम इसमें जो मिलती है ना गाइज वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख लो आपको अंडरबोन ट्यूबुलर आपको डायमंड टाइप फ्रेम देखने को मिल जाने वाला है। सिंगल हॉर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। और ना गाइस यहाँ पर आपको साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों देखने को मिल जाता है। चलते थोड़ी पीछे की तरफ तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी सीट देख लो, आपको ना गाइस स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है, ठीक है। और सीट की जो कम्फर्ट है ना गाइस काफ़ी मस्त देखने को मिल जाती है, ठीक है। पिलियन की सीट भी काफ़ी आपको वाइड देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको 160R की एम्ब्रॉयडरी में वर्क भी देखने को मिल जाता है। सीट हाइट की बात करें तो 795 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गाइस हीरो की यहाँ पर आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है यानी ब्रांडिंग की गई है। स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको मिलते हैं गाइज। और जो टेल लैम्प्स मिलते हैं ना वो भी आपको काफ़ी मस्त लगते हैं गाइज, छोटे से हैं लेकिन काफ़ी प्यारी आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है। ब्लिंकर्स भी आपको एलईडी में ही देखने को मिलता है। और नंबर प्लेट लाइट जो आपको यहाँ पर मिलती है ना वो देख लो आपको हैलोजन में देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरफ गाइज आपको सारी गार्ड भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब बात कर लेते हैं गाइज इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, इसके हैंडल बार और इसमें फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं उन सारी चीज़ों के, ठीक है। तो हैंडल बार से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज सबसे पहले आप मिरर देख लो, काफ़ी स्टाइलिश आपको मिरर देखने को मिल जाती है। काफ़ी लाइट आपको क्लच लीवर भी मिल जाता है गाइज। और यहाँ पर आपको ना पास की स्विच देखने को मिल जाती है। हेडलाइट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है, लो बीम हाई बीम एंड उसके नीचे आपको टर्न इंडिकेटर की स्विच मिल जाती है, ठीक है। उसके नीचे आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है, सिंगल हॉर्न आती है। राइट की तरफ गाइज यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक ऑयल, इंजन किल स्विच विथ स्टार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके बगल में आपको हैजार्ड देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं गाइस फुल्ली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर गाइस ऊपर की साइड आपको टेकोमीटर देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर यहाँ पे मिलती है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप ए लगी हुई है गैस उसमें अभी इतनी किलोमीटर चली हुई है। उसके नीचे आपको क्लॉक देखने को मिल जाता है एंड फ्यूल गेज उसके नीचे देखने को मिलता है। कुछ वार्निंग लाइट्स भी आपको मिलते हैं जैसे लो फ्यूल इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको इंजन मैन फंक्शन, न्यूट्रल एंड ABS के आपको यहाँ पे वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। 2 बटन भी मिलते हैं, मोड एंड सेलेक्ट का। मोड का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे टिप, ट्रिप बी, ओडो एंड ट्रिप ए में स्विच कर पाओगे। सेलेक्ट का बटन प्रेस करोगे तो उससे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। एक बार मैं आपको इसकी की भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये देख लो नॉर्मल सी की मिलती है गाइस हीरो की ब्रांडिंग के साथ जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो लेकिन यहाँ पे वेव की भी दे सकते थे गाइस, काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम टच हो जाता है, ठीक है। उसके नीचे आओगे ना गाइस इसके हैंडल बार की तो यहाँ पे आपको छुपा के USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी मस्त जगह में है गाइस, एकदम छुपा के कोई देख ही नहीं सकता कि कहाँ पर इसकी चार्जिंग पोर्ट। मस्त बात है गाइस, काफ़ी अच्छी लगती है वहाँ पर। और यहाँ पर ना गाइस आपको ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिल जाता है जिससे होता क्या है ना, इससे ना आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके कॉल SMS अलर्ट यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। GPS नेविगेशन आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। जैसे आप इस गाड़ी चला रहे हो ना कहीं आपको जाना है तो वो नेविगेशन काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है गाइज। अब बात करते हैं गाइज इसकी माइलेज, इसकी टॉप स्पीड और इसकी प्राइसिंग के बारे में, ठीक है। तो माइलेज जो देखने को मिलती है ना गाइज 40 से लेकर 45 kmpl की आपको ईजिली माइलेज यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। और टॉप स्पीड की बात करें तो 115 से लेकर 120 के बीच में आपको ये ईजिली टॉप स्पीड प्रोवाइड कर देने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज प्राइस की। तो एक्स शोरूम रांची में जो आपको प्राइस अभी देखने को मिलने वाली है ना 1,37,600। और ऑन रोड प्राइस की बात करें रांची की तो आपको देखने को मिल जाएगी 1,65,219 जो कि काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर प्राइसिंग देखने को मिल जाती है गाइज। जो फीचर आपको देखने को मिलते हैं उस हिसाब से ना काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है। और ये जो बाइक है ना गाइज अभी आपको ऑटो बाइक शोरूम में देखने को मिल जाने वाला है मैं शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी गाइज और ये बाइक कैसे लगी मेरे को कमेंट में बताना, और वीडियो आप बाइक अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइज।